नमस्कार, न्यूज 11mpcg.com में आपका स्वागत है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और एक अच्छी खबर मंदसौर से आ रही है, जहां पर दो प्रेमी जोड़ों ने शादी की है। और खास बात यह रही कि जो दुल्हन है वो श्रीलंका की है। श्रीलंका की हंसिनी की शादी मंदसौर के गोविंद से हुई है। और सबसे खास बात जो हम बताने जा रहे हैं कि इन दोनों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो कपल मिला है, नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लाइक करने के बाद इस कपल की मुलाकात हुई थी ट्विटर पर, और उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रेम परवान चढ़ा और ये शादी के बंधन में बंध गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि वैलेंटाइन का विरोध करती है, लेकिन ये जो मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो कपल को आपस में मिलाने में एक कड़ी के रूप में सामने आए हैं। तो देखते हैं ये खबर की किस तरह से मंदसौर के गोविंद को श्रीलंका की हंसिनी मिली। वैसे तो फरवरी का महीना सभी प्रेमियों के लिए खास होता है, पर मंदसौर के गोविंद के लिए वैलेंटाइन वीक कुछ अलग ही मायने रखता है, क्योंकि इस वैलेंटाइन वीक में गोविंद को उनका प्यार मिल गया है। दरअसल गोविंद मंदसौर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और इस हफ्ते उनकी शादी श्रीलंका की हंसिनी से हुई है। ये दोनों पहली बार ट्विटर पर मिले, जहां दोनों ने एक साथ मोदी का ट्वीट लाइक किया था, जिसके बाद दोनों की सोशल मीडिया बातचीत हुई और हंसिनी पढ़ने के बहाने भारत आ गई। हंसिनी के भारत आने के बाद दोनों ने अपने घर वालों को इस बारे में बताया और दोनों के घर वाले भी आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद बसंत पंचमी के अवसर पर दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। मैं जनरली ट्विटर नहीं चलाता हूँ, बट वो उससे हमारी पहचान हुई है और वही पहचान हमारी प्यार में बदली, और उसी प्यार को हमने सोचा कि हमारी जीवन में मतलब शादी और विवाह में बदले, इसलिए हमने उसके लिए प्रयास किया और उसके लिए हमने हंसिनी और मैंने उसके लिए कुछ प्लान बनाए कि कैसे वो इंडिया आए और कैसे भाषा समझे, हमारा कल्चर समझे। नाम हंसिनी एड्रेसिंग फ्रॉम श्रीलंका। एक्चुअली इट्स एक्साइटेड स्टिल एंड यू नो एक्चुअली वी वर मेट इन 2015 इन ट्विटर थ्रू ट्विटर एंड we really met each other on 2017, like 2 years we were like texting in WhatsApp and video calls like that. Nath Nedir Singh, attorney at law of the Supreme Court in Sri Lanka, and yes, today my Hansini's daughter's I think best day in her life, and she got married to an Indian. My daughter came to India for studying.